सत श्री अकाल। इस वीडियो के माध्यम से बात कर लेते हैं कि हमने एनर्जीज़ को किस तरीके से चेक करना है कि एनर्जीज़ पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो कितनी पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो कितनी ज़्यादा नेगेटिव है। किस तरीके से हम अपने चक्रास की एनर्जीज़ को चेक कर सकते हैं, हम अपने सराउंडिंग की एनर्जीज़ को चेक कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने रूम की एनर्जीज़ को चेक कर सकते हैं, या फिर हमारे लिए कनेक्टेड, हमारे थ्रू कनेक्टेड जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे हमारा सेल फोन हो गया, हमारे क्लॉथ्स हो गए, हमारी जितनी भी चीज़ें हो गई जो कि हमसे कनेक्टेड है, उनकी एनर्जीज़ पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। उसके लिए हमें चाहिए होगा पेंडुलम, इसको हम डाउजर भी बोलते हैं। इस डाउजर के थ्रू हम एनर्जीज़ को एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे कि एनर्जीज़ पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो जैसे कि हमने जाना, हमारी ह्यूमन बॉडी बनी है 7 चक्रास पे, और ये 7 चक्रास जो है इसके ही आधार पर, इसके ही बेस पर हमारी इस ह्यूमन बॉडी की सराउंडिंग की एनर्जीज़ है 7 लेयर्स, जो कि ऑरा कहलाती है, विच आर प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। तो हम सबसे पहले एनर्जीज़ को चेक करना जान लेते हैं कि हमने किस तरीके से एनर्जीज़ को चेक करना है। चक्रास की लोकेशन और चक्रास के मीनिंग के बारे में हमने जान लिया, अब हम जान लेते हैं कि किस तरीके से हमने एनर्जीज़ को चेक करना है। सबसे पहले तो इस डाउजर को हमने अपने लेफ्ट हैंड में रखना है और अपने राइट हैंड को हमने इसके ऊपर रखना है, इस तरीके से हल्का सा। और इसके बाद हमने अपने आईज क्लोज करनी है। हमने मेडिटेशन के थ्रू गॉड के साथ कनेक्ट होना है, अपने माइंड के रिलैक्सेशन के लिए हम कोई मेडिटेशन म्यूजिक साथ में लगा सकते हैं। डीप ब्रीद इन और डीप ब्रीद आउट हमने करनी है। टेक अ डीप ब्रीद इन थ्रू योर नोज एंड डीप ब्रीद आउट थ्रू योर माउथ। अब माइंड इज गोइंग डीपर 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 डीपर। वी अलाउ अवर सेल्फ टू बी रिलैक्स्ड ऑल काइंड ऑफ थॉट्स फ्रॉम अवर माइंड आर गोइंग आउट एंड बर्निंग इन द डिवाइन फायर, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑल काइंड ऑफ थॉट्स वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव आर गोइंग आउट फ्रॉम अवर माइंड एंड क्लियरिंग अवर माइंड। All kind of negative energies from over all the chakras, all kind of negative energies, blockages from our whole human body are going out. And we request divine fire over here. And we request all these kind of negative energies, burn them into this divine fire. All kind of negative energies from our chakras, body, mind, from our surrounding energies are going out and burn them into divine fire. Our mind is going deeper, 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 deeper. We allow ourselves to be relaxed. We allow our mind to be relaxed. Now, as I will say three, we will be connected to God. 1, 2 and 3, we are connected to God. Thank you so much, first of all, God, for the connection. Now we request a white light from the God, please come here and fill this dowser with the white light. Each and every part of this dowser is filling with the white light, pure white light. And this white light, first of all, cleansing all kind of blockages, negative energies,
and connection with anyone from this thousand and burning into this divine fire. All kind of negative energies, blockages, connection with anyone else from this thousand is going out and burn them into divine fire and filling with the pure white light and energizing this thousand with the pure white light of God. Each and every part of this dowser is filling with the pure white light. अच्छे तरीके से जब हमने देख लिया कि dowser का एक एक part white light से fill हो चुका है तो ये energize उसके बाद हो जाएगा. उसके बाद हम dowser को इस तरीके से पकड़ेंगे अपने सामने और इसको हल्का सा आगे पीछे मूवमेंट देंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कमांड करेंगे क्लॉकवाइज घुमाकर. अगर एनर्जीज पॉजिटिव हैं तो हमें क्लॉकवाइज घूमकर बताओ. अभी हम इसको कमांड कर रहे हैं और अपने हाथ से खुद से हिला रहे हैं. जब हमें महसूस हो जाए कि इसको कमांड मिल चुकी है कि क्लॉकवाइज घूमकर इसको बताना कि एनर्जीज पॉजिटिव है, फिर इसको हमने रोक देना है और इसको बीच में रोक के हल्का सा आगे पीछे मूवमेंट देना है और इस डाउजर को कमांड करना है. अगर तो एनर्जीज नेगेटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमकर बताओ. अभी हम इसको अपने हाथ से खुद से मूव कर रहे हैं और इसको कमांड कर रहे हैं कि अगर एनर्जीज नेगेटिव है तो हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमकर बताओ. जब हमें महसूस हो कि एनर्जीज नेगेटिव होने का इसको कमांड मिल चुकी है, इसको हम रोक सकते हैं. अब हम इनसे एनर्जीज के बारे में पूछ सकते हैं. हल्का सा आगे पीछे डाउजर को मूव करना है. प्लीज डाउजर, टेल मी द एनर्जीज ऑफ माय रूट चक्रा. अपने माइंड को एकदम हमने क्लियर कर लेना है. हमने ये नहीं सोचना कि मेरी एनर्जीज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है और इस डाउजर को अपने आप ऑटोमेटिकली मूव होने देना है. Whether it moves clockwise, whether it moves anti-clockwise, just accept it. अभी ये dowser clockwise घूमना start हो चुका है तो सबसे पहले dowser को पूछा गया था show me the energies of my root chakra. तो सबसे पहले तो मेरे root chakra की energies positive है because this dowser is moving clockwise. क्योंकि हमने इसको कमांड किया था इफ द एनर्जीज आर पॉजिटिव देन मूव क्लॉकवाइज. अब हम इसके स्पीड पर ध्यान देंगे. अकॉर्डिंग टू दिस स्पीड अगर हमें लगता है कि ये और ज़्यादा मूव नहीं होगा तो इस स्पीड को हम 20-30% का नाम दे सकते हैं. तो मेरे रूट चक्र की एनर्जीज 20-30% पॉजिटिव है. अब 100% क्या होता है? 100% की मूवमेंट काफ़ी तेज होती है. अगर काफ़ी तेज मूवमेंट की बात की जाए, अगर हमारा डाउजर इतना ज़्यादा तेज मूव होना स्टार्ट हो जाए कि वो हमारे कंट्रोल से थोड़ा सा बाहर हो जाए, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो समझ लीजिए ये 100% पॉजिटिव है. 100% की इसको हम स्पीड दे सकते हैं. पर जिस मूवमेंट से ये डाउजर मूव हो रहा था फॉर माय रूट चक्रास एनर्जीज, उसको हम परसेंटेज का नाम दे सकते हैं 20-30% अप्रोक्सीमेटली पॉजिटिव. इसमें अभी भी 70% की कमी है
इसको हम हीलिंग्स करके 70% भी बचा हुआ हम पॉजिटिव बना सकते हैं। अगर हम बात करें इसी तरीके से सैक्रल चक्र की एनर्जीज को हम चेक कर सकते हैं, सोलर चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, हम चेक कर लेते हैं थर्ड आई चक्र की एनर्जीज को। प्लीज डाउजर शो मी द एनर्जीज ऑफ माय थर्ड आई चक्र। अपने माइंड से बिल्कुल क्लियर हो जाना है, हैंड को हल्का छोड़ देना है एंड लेट इट मूव वेयर एवर इट इज मूविंग, वेदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले ये क्लॉकवाइज मूव होना स्टार्ट हो चुका है, तो इसका मतलब है कि थर्ड आई चक्र की एनर्जीज पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नहीं हैं। और अभी मुझे लगता है कि इसकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज होगी, तो इसको हम मूव होने देंगे जब तक हमें महसूस होगा। जब हमें लगे कि एनर्जीज डाउजर और ज़्यादा मूव तेज इससे नहीं होगा, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली अगर हम परसेंटेज का नाम दें तो अप्रोक्सीमेटली 30-40% ये मूवमेंट को शो कर रहा है। तो थर्ड आई चक्र की एनर्जीज रूट चक्र से ज़्यादा पॉजिटिव है, तो इसकी मूवमेंट ऑटोमेटिकली पहले से हल्की सी तेज हुई है। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको 30-40% का नाम दे सकते हैं और ये मूव हो रहा है क्लॉकवाइज, इसका मतलब है पॉजिटिव। इसको हम फिर रोक लेंगे। इसी तरीके से हम अपने हर चक्र की एनर्जीज को चेक कर सकते हैं, वेदर दी एनर्जीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लॉकवाइज अगर मूव होगा डाउजर तो एनर्जी समझ लीजिए पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा तो एनर्जी समझ लीजिए नेगेटिव है। अब बहुत ज़रूरी है कि अगर क्लॉकवाइज भी मूव हो रहा है, अगर 10% 20% की मूवमेंट शो हो रही है पॉजिटिव एनर्जीज की क्लॉकवाइज घूमकर, तो अभी भी समझ लीजिए कि 80-90% की कमी है पॉजिटिव एनर्जीज की। अगर एंटी क्लॉकवाइज भी 10-20% मूव हो रहा है तो समझ लीजिए नेगेटिव एनर्जीज कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर तो 50%, 80%, 90%, 100% एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो समझ लीजिए एनर्जीज बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है और काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी पीछे से, काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से, काफ़ी टाइम से ये एनर्जीज ब्लॉक हो रही है, तभी जाकर ये 100% नेगेटिव एनर्जीज हुई है। ऐसे हम 7 लेयर्स ऑफ ऑरा की एनर्जीज को चेक कर सकते हैं एक एक करके, 7 चक्रास की एनर्जीज को हम चेक कर सकते हैं एक एक करके, हम अपने सेल फोन की एनर्जीज को चेक कर सकते हैं, हम अपने क्लॉथ्स की एनर्जीज को चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम चेक कर लेते हैं, प्लीज डाउजर शो मी द एनर्जीज ऑफ माय क्लॉथ्स। सबसे पहले तो ये क्लॉकवाइज मूव होना स्टार्ट हो चुका है, जिसका मतलब है एनर्जीज पॉजिटिव है। और अगर हमें लगता है कि इसकी मूवमेंट की स्पीड अभी इंक्रीज होगी तो हमने इसको अभी नहीं रोकना। जैसे कि मुझे महसूस हो रहा है कि इसकी मूवमेंट की स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज होगी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी स्टार्टिंग लो स्पीड से स्टार्ट हुई थी, अभी कंपैरेटिवली पहले से ज़्यादा ही इसकी मूवमेंट है। और अभी भी मुझे महसूस होता है कि इसकी मूवमेंट थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है, तो अभी इसको इंक्रीज होने देना है। जब हमें महसूस हो
कि इसके मूवमेंट और इंक्रीज नहीं होगी, तो अब हम इस डाउजर को स्टॉप कर सकते हैं। अगर हम इतनी स्पीड को देखें, मेज़र करें, तो अप्रोक्सीमेटली हम 40% इसको मूवमेंट पॉजिटिव एनर्जीज में दे सकते हैं। तो क्लॉथ्स की एनर्जीज हमने चेक की, अप्रोक्सीमेटली 40% पॉजिटिव, अभी भी 60% पॉजिटिव एनर्जीज की कमी है। हमने रूट चक्र की एनर्जीज को चेक किया, अप्रोक्सीमेटली 20-30% पॉजिटिव, और अभी भी 70-80% पॉजिटिव एनर्जीज की कमी है। थर्ड आई चक्र की एनर्जीज को हमने चेक किया, अप्रोक्सीमेटली 30-40% पॉजिटिव, पर अभी भी 60-50-70% पॉजिटिव एनर्जीज की कमी है। पर जहाँ पर भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि वहाँ की एनर्जीज़ को बाहर निकाला जाए, नेगेटिव एनर्जीज़ को, उसके बाद वहाँ पर एनर्जीज़ को बैलेंस किया जाए, उसके बाद वहाँ की एनर्जीज़ को पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ फिल किया जाए। अब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ की एनर्जीज़ पॉजिटिव ही होगी, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ की एनर्जीज़ नेगेटिव ही होंगी। आपने जब डाउजर से चेक करना है एनर्जीज़ को, तब आपने मन में ये बिल्कुल भी डाउट नहीं लाना कि मेरी एनर्जीज़ तो पॉजिटिव ही होंगी, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, या फिर मेरी एनर्जीज़ तो नेगेटिव ही होंगी, ये पॉजिटिव नहीं हो सकती। हमारे थिंकिंग से एनर्जीज़ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नहीं बनती, पर ये डाउजर ज़रूर हमारे थिंकिंग के अकॉर्डिंग मूव होना स्टार्ट हो जाता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बैठा हूँ सामने 10 लोगों के सामने, और मैं अपनी एनर्जीज़ को चेक कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरे माइंड में सबसे पहले ये डाउट आएगा कि ये डाउजर क्लॉकवाइज ही घूमना चाहिए, मेरी एनर्जीज़ लोगों को पॉजिटिव ही दिखनी चाहिए। पर ऐसा नहीं करना, आपने ये ध्यान ज़रूर रखना है, आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा योर एनर्जीज कैन बी नेगेटिव, योर एनर्जीज कैन बी पॉजिटिव। अब आपकी एनर्जीज 100% पॉजिटिव हो, 100% नेगेटिव हो, 50% पॉजिटिव हो, 50% नेगेटिव हो, ये आपने डाउजर पे छोड़ देना है। अगर तो ये मूव हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूमने की स्टार्टिंग कर रहा है, अगर आपके माइंड में आ जाएगा कि मेरी एनर्जीज नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव ही हो सकती, ये एंटी क्लॉकवाइज की मूवमेंट को छोड़ के ये क्लॉकवाइज भी घूमना स्टार्ट हो जाएगा, तो माइंड से आपको सबसे पहले क्लियर होना पड़ेगा। इसीलिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग में, फॉर द कनेक्शन विद द गॉड। व्हेन यू कनेक्ट विद द गॉड, उसके बाद अगर आप डाउजर को अच्छे तरीके से क्लींजिंग करते हुए पॉजिटिव एनर्जी से फिल कर इसको एनर्जाइज करके एनर्जीज को चेक करोगे, तो आपको बेटर वे में उसके ऑप्शंस मिलेंगे। एनर्जीज को चेक करना बहुत ज़रूरी है हीलिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपको पता होगा कि यहाँ की एनर्जीज 70% नेगेटिव है, यहाँ की एनर्जीज 40% नेगेटिव है, यहाँ की एनर्जीज 10% नेगेटिव है, तो आप वहाँ की एनर्जीज पे उस हिसाब से वर्क कर सकते हैं। अगर आपको पता चलता है कि ऐसे पर्सन की रूट चक्र की एनर्जीज 70% नेगेटिव है, तो अब आपको पता चलता है कि बाकी के चक्रास की एनर्जीज 10% पॉजिटिव है, तो आप बाकी के चक्रास पे वर्क तो हीलिंग के थ्रू करोगे, पर रूट चक्र पर आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि रूट चक्र की नेगेटिव एनर्जीज़ है 70% और बाकी के चक्रास की नेगेटिव एनर्जीज है 10%। बाकी की चक्रास की एनर्जीज़ जो 10% है, तो उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना इजी होगा, पर रूट चक्र की एनर्जी जो 70% नेगेटिव है, वो जो 70% नेगेटिव एनर्जीज है, उस पर अगर आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो जाकर आपको वहाँ की एनर्जीज पॉजिटिव मिलेंगी। अगर आप बाकी के रिमेनिंग 6 चक्रास पर 2 मिनट्स हीलिंग कर रहे हो, तो आपको रूट चक्र पे 5 मिनट्स हीलिंग करनी पड़ेगी, और 5 मिनट्स के भी आपको 2 सेशंस आपको देने पड़ेंगे।
तो आपको पहले पता होना जरूरी है कि कौन सी एनर्जीज कितनी पॉजिटिव है कितनी नेगेटिव है। आप जिस रूम में बैठ रहे हो वहाँ की एनर्जीज आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, कितनी पॉजिटिव है कितनी नेगेटिव है। आप जिस फूड को खा रहे हो उसकी एनर्जीज को पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव एनर्जीज़ के फूड को खा रहे हो या फिर नेगेटिव एनर्जीज़ के फूड को खा रहे हो। ये हमने ध्यान ज़रूर रखना है। आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जब आप फूड बनाएंगे तो उस टाइम पे अगर आप ईश्वर के नाम की चैंटिंग करोगे अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन और अपने माइंड को लगाओगे गॉड के चरणों में, तो उसके बाद जब फूड बन जाएगा तो उसकी एनर्जीज़ को आप चेक करना डाउजर के थ्रू, वहाँ की एनर्जीज़ पॉजिटिव ही होंगी, वहाँ की एनर्जीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर आपके माइंड में गुस्सा है, एंगर है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वरीज है, इफ़ यू आर अब्यूजिंग समवन, और आप वो सब सोचते हुए फूड को क्रिएट करोगे, उसके बाद आप एनर्जीज़ को चेक कर सकते हो फूड की, वहाँ की एनर्जीज़ नेगेटिव ही होंगी। अगर नेगेटिव नहीं है तो बहुत ही कम पॉजिटिव एनर्जीज़ उसमें होंगी। तो फूड की एनर्जीज़ को हम चेक कर सकते हैं, वहाँ की एनर्जीज़ अगर मान लीजिए 30% पॉजिटिव है तो उसको हम हीलिंग देके एनर्जाइज करके उसको हम 30% से 80% 90% या फिर हम उसको 100% पॉजिटिव भी बना सकते हैं। जब पॉजिटिव फूड हम खाएंगे तो वो जब पॉजिटिव फूड हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगा तो पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी में वो पॉजिटिव एनर्जीज पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाएंगी। अगर वो ही आर्ग्यूमेंट्स वाला फूड हम खाएंगे, एंगर वाला फूड खाएंगे, सैडनेस वरीज वाला अगर हम फूड खाएंगे तो वैसी ही एनर्जीज हमारे अंदर बनना स्टार्ट हो जाएंगी, और जो जैसा हम फूड खाएंगे वहाँ की एनर्जीज हमारे चक्रास की एनर्जीज में जाएंगी, हमारे ऑरा की एनर्जीज में जाएंगी और सराउंडिंग की एनर्जीज में जाएंगी। आप अपने सेलफोन की एनर्जीज़ को इसी तरीके से चेक कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस सेलफोन को 24 आवर्स में से 6 आवर्स अपने हाथ में पकड़ कर रखे हुए हो उसकी एनर्जीज़ कितनी पॉजिटिव या फिर कितनी नेगेटिव है। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस क्लॉथ्स को पहन रहे हो उनकी एनर्जीज़ कितनी ज़्यादा पॉजिटिव या फिर कितनी ज़्यादा नेगेटिव है। आपके क्लॉथ्स की एनर्जीज नेगेटिव है, मान लीजिए 30% आपके क्लॉथ्स की एनर्जीज नेगेटिव है, और आपकी ह्यूमन बॉडी की एनर्जीज आपके चक्रास की एनर्जीज 50-50% 60% 70% पॉजिटिव है, तो ये जो 30-40% आपके क्लॉथ्स की एनर्जीज नेगेटिव है ये आपकी 60-70% ह्यूमन बॉडी की पॉजिटिव एनर्जीज को लो डाउन कर देगा, और वो जो 70% 50% 60% पॉजिटिव एनर्जीज आपकी ह्यूमन बॉडी की आपको दिख रही थी डाउजर के थ्रू वो घटकर 20% 10% ही रह जाएंगी। तो जिस क्लॉथ्स को आप पहन रहे हो वहाँ की एनर्जीज पॉजिटिव होना जो ज़रूरी है, और सबसे पहले पहनने से पहले बहुत ज़रूरी है उनकी एनर्जीज को चेक करना किस तरीके से हमने हीलिंग करनी है, ये हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। इसी तरीके से हम अपने रूम की एनर्जीज़ को चेक कर सकते हैं, जिस चेयर पर हम बैठ रहे हैं वहाँ की एनर्जीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है, जिस घर में हम रह रहे हैं वहाँ की एनर्जीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें ब्लैक मैजिक या फिर नेगेटिव स्पिरिट्स को चेक करने की, तो रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर चक्रा, यानी कि नीचे के तीनों चक्रा, सोलर चक्रा, सैक्रल चक्रा और रूट चक्रा, जब यहाँ की एनर्जीज 100% नेगेटिव हो डाउजर के थ्रू तो समझ लीजिए ब्लैक मैजिक है। अगर थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा 100% नेगेटिव हो तो समझ लीजिए स्पिरिट अटैक है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि अब ऐसा ना हो कि अगर आप एनर्जीज चेक कर रहे हो और सिर्फ डाउजर की मूवमेंट इतनी ही हो और आपको रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर चक्रा तीनों के तीनों चक्रास आपको इतने मूवमेंट में एंटी क्लॉकवाइज मूव होते हुए दिख रहे हैं डाउजर के थ्रू, तो इसको ब्लैक मैजिक मत समझना। ब्लैक मैजिक का मतलब है कि 100% जब आपके हाथ से मूवमेंट डाउजर की 100% नेगेटिव हो जाए और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए डाउजर,
आपके हाथ से संभालना मुश्किल हो जाए। रूट चक्र, सैक्रल चक्र और सोलर चक्र की 100% नेगेटिव एनर्जीज, और मेडिटेशन में ये चेक करना भी बहुत ज़रूरी है उनकी एनर्जीज को। अगर मेडिटेशन में आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस दिखती हैं, ऐसे पर्सन में बिल्कुल ब्लॉक्ड रूट चक्र, सैक्रल चक्र और सोलर चक्र, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे पर्सन में ब्लैक मैजिक है। क्यों ब्लैक मैजिक क्यों होता है? ब्लैक मैजिक सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या के कारण होता है, जेलसी के कारण। जेलसी क्यों होती है? जेलसी हो सकती है दूसरे पर्सन के रिलेशनशिप अच्छे हैं, दूसरे पर्सन की मनी अच्छी है, दूसरे पर्सन का घर अच्छा है, दूसरे पर्सन की गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है, दूसरे पर्सन का बेटा बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें होती है रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर चक्र से रिलेटेड, जो कि एक पर्सन जाता है ब्लैक मैजिशियन के पास और वो ब्लैक मैजिशियन अपने ब्लैक मैजिक को प्रैक्टिस करता है, और दूसरे पर्सन की लाइफ में जो मनी है उस पर्सन की लाइफ से मनी वहाँ से आती है और ऐसे पर्सन के लाइफ में आ जाती है जो ब्लैक मैजिक करवाना आया होता है। तो इसमें रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर चक्र होते हैं इन्वॉल्व्ड। अब इसमें स्पिरिट अटैक होता है, सो थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र। स्पिरिट अटैक का अटैक होता है ऊपर के चक्रास पे, जो कि स्पेस एलिमेंट होते हैं हमारे थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र। जब एंटी क्लॉकवाइज डाउजर आपका 100% मूव होना स्टार्ट हो जाए थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र पे, तो समझ लीजिए स्पिरिट अटैक है, क्योंकि इसमें ब्लैक मैजिक नहीं है। ब्लैक मैजिक दूसरा पर्सन करवाएगा तो ही होगा, पर स्पिरिट अटैक ऑटोमेटिकली अपने आप भी हो सकता है जो किसी ह्यूमन बॉडी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा लो हो और वो बाहर किसी ऐसी प्लेस पर जाए जहाँ पर नेगेटिव स्पिरिट्स हो, तो वह ऐसे पर्सन पर नेगेटिव स्पिरिट्स का अटैक हो सकता है। या फिर कई जगह पर देखा है कि जहाँ पर कई बार हम आउटिंग के लिए गए होते हैं तो और ऐसे पर्सन यूरिन पास कर देते हैं, कभी ट्री के पास, कभी ग्रास के पास, और वहाँ पर पानी भी नहीं फेंकते, तो ऐसे पर्सन में काफ़ी चांसेस होते हैं स्पिरिट अटैक होने के। तो हमें आगे से ध्यान रखना पड़ेगा अगर हम किसी आउटिंग पे जा रहे हैं, अगर हमें जाना ही पड़ रहा है तो वहाँ पर यूरिन पास करने के लिए अगर आपके पास कोई बाथरूम अवेलेबल नहीं है, कोई वॉशरूम अवेलेबल नहीं है, और अगर आपको इमरजेंसी में यूरिन किसी ट्री के पास पास करना पड़ रहा है, या फिर अगर आपको स्टूल पास करना पड़ रहा है इमरजेंसी में, तो ऐसे टाइम पर अगर आपने यूरिन पास किया तो सबसे पहले वहाँ पर अच्छे तरीके से पानी फेंक कर वहाँ पर सफाई की जाए। अगर आपको स्टूल पास करना पड़ रहा है इमरजेंसी में तो वहाँ पर मिट्टी से उस स्टूल को दबा दिया जाए ताकि वहाँ पर गंदगी ना फैले, तो बचा जा सकता है। ऐसे चांसेस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ऐसा होगा ही होगा, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। और नेगेटिव स्पिरिट्स का अटैक होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, एक रीज़न नहीं होता। कुछ नेगेटिव पास्ट कर्मास का कनेक्शन भी होता है, कुछ एनर्जीज हमारी करंटली लो भी होती है, ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं। एनर्जीज हमने इस तरीके से चेक करनी है, किस तरीके से हमने हीलिंग्स को आगे फर्दर प्रोसीड करना है, कैसे हमने आगे प्रोसेस को बढ़ाना है, ये हम आने वाले वीडियोस में एस्ट्रल लॉकिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। सत श्री अकाल।